नमस्कार, स्टेज न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर आ रही है नरसिंहपुर जिले के, जहां द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने महाराष्ट्र सरकार को भेजा निंदा पत्र। महाराष्ट्र में हुए श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के दो संतों और उनके ड्राइवर के जघन्य हत्या पर बोले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती। आपको बता दें, जहां दो संतों की हत्या हुई वहां धार्मिक क्षेत्र द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के पीठ में आता है। वहीं शंकराचार्य ने महाराष्ट्र सरकार को निंदा पत्र भेजकर तुरंत कठोर कार्रवाई करने की बात कही। शंकराचार्य जी कहा, ऐसी घटनाएं बड़ी निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र सरकार से उन उपद्रवियों और उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की बात की, जिससे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। महाराष्ट्र में जूना अखाड़े के कुछ संत किसी धार्मिक कार्य से कहीं जा रहे थे। एकाएक भीड़ ने आकर उनको डंडों से मारना प्रारंभ कर दिया और जब तक उनके प्राण नहीं चले गए तब तक डंडे उन पर चलते रहे। ये कितनी निंदनीय घटना है और कैसे इससे लोगों के मन में ये भावना उत्पन्न हो रही है कि क्या संत महात्मा अब स्वच्छंद भ्रमण भी नहीं कर सकते। वे किसी के अनिष्ट के लिए नहीं जा रहे थे। और वहाँ पर दुख की बात तो यह है कि वहाँ पर पुलिस भी थी। जब उनके ऊपर दंडों का प्रवाह चलने लगा तो पुलिस को तो कुछ ना कुछ करना चाहिए था कि जब उनके प्राण ही चले गए तो न्याय किसको मिलेगा। ऐसी स्थिति में शासन का ये कर्तव्य था कि वो उनके प्राणों की रक्षा करवाती, और शासन में पुलिस मुख्य रूप से वहाँ पर उत्तरदायी है। ऐसी स्थिति में पुलिस की निष्क्रियता और जो भीड़ है उसके द्वारा एकाएक आक्रमण करके प्राण हरण करना, ये बहुत ही निंदनीय और शोचनीय घटना है। इसका पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करके सरकार को उचित कार्यवाही करनी चाहिए, अपराधियों को दंड देना चाहिए, जिससे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति फिर से न हो।